अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो गाइस आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बरमूडा मैप जब भी आता है तो उस पे फुली हार्ड रीजन की लॉबी आती है, टॉप 99 प्लेयर में से एक या दो आए होते हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, चैनल पे पहली बार आ रहा तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लेना है और एंड तक देखना है। ओके, लूट वगैरह हम लोगों ने कर ली थी और यहाँ पे सामने की साइड पोचिनो की साइड घूम रहे थे ताकि कोई बंदा मिल जाए तो भाई रश करें उस पे। ओहो, यहाँ पे एक बंदी बैठी थी क्वीन, जिसको एक ही शॉट लगा और दूसरा शॉट तो हेडशॉट पे लगा है नॉक पे, और उसका किल जो है मिल गया है। तो पहला किल यहाँ पे गाइस अपना कंफर्म होता है। ऊपर की साइड ग्लू होल देख सकते हो और जहाँ पे ग्लू होल होती है ऑफ कोर्स यहाँ पे एनिमी फाइट कर रहे होते हैं आपस में, तो जरूर यहाँ पे दूसरे बंदे भी होंगे क्योंकि इन्होंने ग्लू होल डाली हुई थी सामने की साइड से, तो इनकी बंटी से कोई लूट वगैरह भी उठा लेते हैं। और वैसे भी हमारे पास थॉम्सन और उसके पास प्राफिल है, प्राफिल काफी अच्छा गन है भाई, शॉर्ट रेंज में बहुत मस्त है। और यहाँ पे चेक करते हैं अगर कोई बंदा है तो भाई उसको ठोकते हैं। तब तक आप लोगों ने अगेन अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो क्योंकि 10K जैसे ही अपने कंप्लीट होते हैं तो हम लोग बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। और अगर हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे तो भाई वो दूसरों की तरह नहीं करेंगे आधा घंटा एक घंटा, वो भी वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा नहीं भाई, हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे वो भी 3 से 4 घंटा, और सिर्फ आप लोगों के साथ ही इस लाइव स्ट्रीम के ऊपर खेलेंगे बीआर या रैंक पुश करेंगे सीएस में। ज्यादातर बीआर खेलेंगे क्योंकि हम लोग वैसे भी बीआर के प्लेयर हैं। ओए भाई यहाँ पे बंदा आ गया बातों में, पीछे की साइड काफी अच्छे हेड शॉट लगे हैं। और यहाँ पे एक बंदा नहीं है, दो तीन बंदे हैं क्योंकि दो तो अपने साथ हैं और पीछे की साइड भी अगर आप लोग निशान चेक करें तो मैप के अंदर रेड डॉट आ रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा बंदे हैं यहाँ पे। कोई ना, इनमें से एक आधे को पकड़ते हैं, वेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा कवर लेके खेलने की यहाँ पे जरूरत होती है, अगर वेस्ट ना हो तो आपके पास। काफी अच्छा लेजेंड को हेडशॉट लगा है और लेजेंड का किल मिल गया। ओए ये क्या है भाई, ये शॉट भाई थॉम्सन का सर फाड़ दिया उसका, चेक करो आगे। तो तीसरा किल भी यहाँ पे मिला है, अभी भी 35 साल आए हुए और एक बंदा बाहर की साइड घूम रहा है, इसको तो पकड़ेंगे। एक और बंदा भाई गाड़ी लेके आया था, इसने काफी अच्छी टक्कर दी थी और यहाँ पे बिल्कुल भी मेडिकेट नहीं थी, एक टोटल अपने पास वो था जिसको बोलते हैं इनहेलर फास्ट मूवमेंट वाला, तो वो हम लोगों ने लगा लिया और बंदा भाई गाड़ी तो फाड़ दी थी बट भाग ही जा रहे। और इस बंदे ने बहुत ज्यादा भगाया है, चेक करो कभी इस साइड कभी उस साइड, पता नहीं कहाँ से भाई जंगल से आज प्रैक्टिस करके आया ये बंदा, क्योंकि जंगल में जो रहते हैं ना उनकी वो बॉडी अच्छी होती है, उनने मूवमेंट कर रखी होती है, प्रैक्टिस वगैरह डेली करते हैं क्योंकि हार्ड लाइफ होती है, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि इसने भी वहीं से प्रैक्टिस ली है, तो इस वजह से ये बंदा भाई इतना भगाया है इस बंदे ने। हमारा इनहेलर लगा हुआ था फिर भी हम इसको नहीं पकड़ पा रहे थे। बाकी चेक करो भाई ये सामने की साइड जा रहा है, और रे पता नहीं भाई कौन सी इसने लगाई हुई है मेडिकेट, पता नहीं क्या लगाया हुआ है, अभी भी पच गया है, बट कोई ना इसको पकड़ेंगे गाइस, मेडिकेट नहीं है अपने पास भाई, मेडिकेट हो या ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, रश तो करेंगे हम लोग। गया भाई यहाँ पे रहीम नॉक है, रहीम है पता नहीं राहम है, और इसके साथ चौथा किल जरूर डन हुआ है। और अभी तक बात करें तो 34 बंदे अलाए हुए हैं और हम लोगों को किसी भी सूरत में ये गेम ना सिर्फ बुया करना है बल्कि अच्छे किल्स भी निकालने हैं। रीजन लॉबी तो एंड तक सर्वाइव करना बहुत हार्ड रहेगा, बट आप लोगों ने एंड तक देखना है कि भाई किस लेवल के ऊपर आपका भाई गेम लेके गया है। एक बंदा सामने की साइड है और मजे की बात यह है कि यहाँ पे अपने पास मेडिकेट नहीं था, और मेडिकेट के बगैर सर्वाइव करना वो भी जब बंदे रश करते हैं थोड़ा सा हार्ड जरूर होता है। और ये देखो बंदे ने भाई वो लगाई है जो ग्लू के पार डैमेज देती है, और अगेन लेजेंड को काफी अच्छे रेड नंबर्स लगे, बट पीछे की साइड जो बंदा है उसने एक आधी गोली ही मारी थी क्योंकि कब से मेडिकेट के बगैर घूम रहता है। बट यहाँ पे फुल क्रेडिट है भाई टीममेट्स को जिन्होंने भाई अभी मरे नहीं है पहले रिवाइव कर दिया है, तो उन्हीं बंदों के ऊपर दोबारा से रश करने के लिए जाएंगे और पकड़ेंगे, वह उनको छोड़ने वाले तो नहीं हो क्योंकि पीछे से मारा है और पीछे से मारने वालों को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते। तब तक अगेन गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी से कर दिया करो। टिकटॉक पे तो हमारे तकरीबन 20K होने वाले हैं, और अगर आप लोग यहाँ पे 10K कंप्लीट करते हो तो भाई जैसा कि मैंने बोला लाइव स्ट्रीम डेली वो भी 3 से 4 घंटे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, वैसे बात रिपीट नहीं करते लेकिन आज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को लाइव स्ट्रीम जल्दी स्टार्ट करनी है। बंदा सामने की साइड ही है, दो हैं, ये वही दो हैं, एक तो नॉक करा था, चलो काफी अच्छा बॉडी डैमेज है, और इसका दूसरा टीममेट भी इधर ही है, पीछे की साइड भी बंदे हैं, अगर ये रश के लिए आया तो मरेगा।
गया भाई, ओनली सर्वे मार रहे हैं थॉमसन की, और इसके साथ छठा किल भी मिल गया है। इनका स्क्वाड पूरा स्वाइप हो गया, क्योंकि इनके स्क्वाड में पहले भी हम लोगों ने तीन बंदे मारे थे, बट वे रिवाइव हो गए थे और दोबारा पंगा लेने के लिए आ गए थे। एक दफ़ा तो हम लोगों ने छोड़ दिया, बट दूसरी दफ़ा ये लोग पकड़े गए हैं। तो 6 किल यहाँ पे डन होते हैं और अभी भी 33 जरूर अलाइव है। एक और बंदा, इस बंदे को ईजिली मार सकते थे, बट ईजिली ना मारने के चक्कर में ना गाइस मान ही ले गया इसका किल। कोई ना, अपने टीममेट्स हैं तो रैंडम आए हैं दो बंदे। अगर मैं बात करूं मुगल की और यहाँ पे मानी एफएफ की, तो रैंडम आए थे बट काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे इस गेम के अंदर। बिल्कुल भी तमीज़ वाले बंदे थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बक रहे हूँ, बिल्कुल तमीज़दार बंदे थे। वैसे मैंने रैंडम देखे थे भाई, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी, ऑल फॉल का। ओके गाइस, सामने की साइड एक बंदा जो कि गाड़ी छोड़ के आया है, और इससे पहले जो 2 किल थे वो चोरी हो गए थे। ओहो, राइज स्टार को 2 अच्छे ग्रूजा कैट शॉट, हम लोगों ने गन वो वाली रिप्लेस कर ली थी। राफेल काफ़ी अच्छा चलता है, बट जब हमारे पास ग्रूजा हो तो आजकल सीजन के हर सीजन में भाई अपना फेवरेट यही ग्रूजा चल रहा है। इससे पहले हमारी अगर फेवरेट की बात करें तो ज़रूर हमारे पास एक्सीमेट फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन अब जब से रैंक सीजन नहीं हुआ है तो ग्रूजा चला रहे हैं MP40 के साथ। MP40 तो कते तबाही गन है, और ऊपर की साइड चेक कर सकते हो, ड्रॉप की साइड भी फाइट हो रही है। इससे पहले हमारे 2 किल भाई टीममेट्स ने चोरी कर लिए थे, एक तो वहाँ पे करा था, एक आगे भी उसके अलावा करा था, तो वो वाला क्लिप मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी। गया हीरो ब्रांड यहाँ पे नॉक है गाइस, ये बंदा आई थिंक रीजन प्लेयर है। एक और नॉक पड़ा है, चलो यहाँ पे दूसरे का भी किल मिला है और तीसरा भी इधर ही है। काफी अच्छा बॉडी डैमेज है, एक आधी गोली। चलो गया टाइगर यहाँ पे नॉक है, और टाइगर का किल कंफर्म करते ही अपने 10 यहाँ पे हो चुके हैं। पत्थर की साइड भी एक और बंदा है, और अगर ये मिलता है तो भाई आप भी 20+ बंदे लाए हो तो हमारे को और भी किल मिलेंगे इतने जितने हम लोगों ने कर रखे हैं, तो आराम से 15 से तो ऊपर लेके जाएंगे इस गेम के अंदर। सो एंड तक देखिएगा, मिस नहीं करना। आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा लास्ट में, तो वो भी आप लोगों ने फॉलो लाजमी से करनी है। फिलहाल पत्थर वाले बंदे को पकड़ते हैं, और जोन में अभी भी मुझे लग रहा है कि ये 2 बंदे अलाए हुए हैं यहाँ पे। जोन अब डैमेज देगा काफ़ी ज़्यादा, तो जल्दी से जल्दी इस बंदे को मारना है। चलो गया यहाँ पे जानी 3 यहाँ पे जरूर नॉक है। जानी 3 का अगर किल मिलता है तो 11वां भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर इंजेक्शन नहीं होता मार लेंगे। इंजेक्शन होता तो भाई इंजेक्शन लगा लेते हैं, या डिमिट्री हो तो वो लगा लेते हैं, तो फिर टीममेट से एक आधी गोली मार के किल ले जाते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे मानी एफएफ नॉक हो चुके हैं, और उमर भाई इनको रिवाइव करा रहे हैं। और सामने की साइड जैक देख सकते हो अरेशनल की, जिसमें आजकल चाबी वगैरह का कोई सीन नहीं है, उसके अंदर एक बंदा है भाई। तो हम लोग पीछे से घूम के जाते हैं और इस बंदे को पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा प्लेयर लग रहा है। अगर ये हीरोइक का प्लेयर होता तो इजीली ये भाई जोन सर्वाइव करता, लेकिन ये अभी तक जोन में ही फाइट ले रहा है, मतलब अच्छा प्लेयर है। तो इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, थॉमसन है अपने पास शॉर्ट रेंज में। गया भाई, मैंने बोला था अच्छा प्लेयर हो सकता है थॉमसन, और इसको काफ़ी जब बॉडी स्प्रे सीजन 7 या सीजन 8 पहना हुआ था। ये कौन सा सीजन है आप लोगों ने नीचे कॉमेंट में बताना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक ये सीजन 7 था। अब 8 है तो ये आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे 2 लॉन्च पैड जरूर थे जो कि मैंने लगा के भाई जोन सर्वाइव करा है। ओके, यहाँ पे एक बंदा है बिल्कुल लास्ट जोन। गया भाई हीरो ब्रांड, इस बंदे को तकरीबन हमारे स्क्वाड ने कोई 5 या 6 दफा मारा है, क्योंकि 2 दफा तो मेरे को लग रहा है हम लोगों ने मारा है, बाकी स्क्वाड मेंबर्स ने भी मारा है। अभी तक हमारा पूरा स्क्वाड अलाइव है, तो यहाँ पे भुइया के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हद तक हमारे पास हो गए थे, क्योंकि 13 किल हम लोगों ने निकाले हुए थे और टीममेट्स ने भी काफ़ी तगड़े किल निकाले हुए थे। रैंडम प्लेयर तो शौक हो गए थे भाई, आपके इस तरह का नेम लिखा और आपके जो किल्स हैं इतने ज़्यादा कैसे, और वो भी हेडशॉट मार रहे हो कैसे। यहाँ पे एक और बंदा जिसने मुगल को नॉक करा है भाई, गाड़ी से टक्कर दी एक और टीममेट को, पूरी ट्राई करी भाई इसकी गाड़ी फाड़ दे, बट ये ट्रक इसका भाई दिमाग चलता था, मोसर ट्रक की साइड ले गया और इसने वहाँ से मोसर ट्रक पकड़ा है, वो भी हम लोगों ने फुल डैमेज करा है बट भाग गया, क्योंकि मीशा की जब स्किल लगी हो तो थोड़ा सा भाई हार्ड होता है उसको तोड़ना, बट हम लोगों ने फिर भी तोड़ा है। यहाँ पे FGL के लॉन्चर थे जो कि एक लेवल पर पड़ा है, एक और भी था तो वो भी मैंने फेंका ताकि भाई ये उसी से मर जाए, बट बंदा तगड़ा था गया। ओके, यहाँ पे तूफान नॉक है गैस, और तूफान का किल मिलते 14 हो चुके हैं। लास्ट जोन बिल्कुल छोटा सा रह गया है, और आजकल तो भाई मैप के अंदर जोन जो है ना, पहले तो जूम इन नहीं करते, खुद ही करना पड़ता था, लेकिन अब ऑटो हो जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो ग्रेनेड यहाँ पे लगा है उसको, और आई थिंक नॉक हो चुके हैं, देखते हैं। हाँ, नॉक ही पड़े हुए हैं।
चलो जैबी एक शहरी यहाँ पे, अगर ये रीजन प्लेयर है क्योंकि मुझे लग रहा है इनमें से एक आधा तो था पक्का। और अभी भी भाई मशीन है तो बंदे मशीन से रिवाइव कर रहे हैं। अरे अरे भाई यहाँ पे मेरे पास लग रहा था कि भाई भैया यहाँ से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसने टक्कर दिए मेरे को गाड़ी से, ये मोमेंट थोड़ा सा भाई लगा हाँ कि भाई भैया यहाँ पे मिस हो सकता है। बाकी चेक करो आगे, अभी स्कार ओनली बॉडी स्प्रे जरूर लगा एक आधी गोली और वो टीममेट ने मार दी। उमर भाई अभी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और 15 किल हमारे जरूर हैं। मानी और जीएम 86 यहाँ पे बचे हुए हैं, तो चेक करो भाई अंत तक क्या भैया ले सकते हैं कि नहीं। और सामने की साइड ही ये बंदा एक तो आई थिंक रेड क्रिमिनल है, और अगर गलत नहीं हो तो एक बंदा ऊपर की साइड भी है, गाड़ी लेके जोन में जा रहा है। पकड़ते हैं भाई गाड़ी वाले को, तो पकड़ेंगे इसकी गाड़ी तोड़ेंगे और फिर इसको मारेंगे। वैसे ही इस बंदे को इजीली हेडशॉट लग सकते थे। एक और यहाँ पे किल चोरी गाइस, अगर अपने किल चोरी ना होते तो अभी 15 की जगह आपको 18 या 19 मिलते, बट कोई ना ये 15 ही काफ़ी है भाई, क्योंकि प्लस तो 10-12 के बाद ख़त्म ही हो जाता है, उतना ही मिलता है जितना उससे आगे वाले किल्स पे मिलता है। रेड क्रिमिनल यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज है भाई, क्या कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है। चलो फाइनली गया भाई, 16 हो चुके हैं और टोटल इसके अलावा एक ही बंदा रहता है, मेडिकेट मार लेते हैं। पीछे ये वो सीजन सेवन तो इसको तो पकड़ेंगे भाई, इसको तो नहीं छोड़ने वाले। एक ही बंदा गाइस यहाँ पे 16 किल डन है, अगर इसको मारते हैं तो भुया हो जाना है, और इसने अगर दोनों को मार दिया तो भुया उसके नाम, बट उसके लिए थोड़ा हार्ड रहेगा दोनों को मारना। अभी जीएम अलाइव है, जीएम जब नॉक हो जाए तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, बट कोई ना फिलहाल इसको पकड़ते हैं, आई थिंक डैमेज है, भाग रहा है। चलो गया गाइज, इसके साथ ही 17 किल पे भुया डन हो चुके हैं, और अभी के लिए इतना है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगेन 10K कंप्लीट करो ताकि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय।